ये देखो मैंने चार कलर लिए हैं और 32 फंदे डाल लिए हैं, और ये देखें 8 नंबर की सिलाई है। अब देखें दो फंदे हमें इस वाली सिलाई पे कर लेने हैं। इस तरह के हमने डोरमेट कई बनाए हैं लेकिन ये डिजाइन बिल्कुल अलग बनाऊंगी। पूरी रो हम इसी तरह से बुनेंगे और नीचे की साइड से दो फंदे हमें बगैर बुने हुए छोड़ देना है। आप इसको फटी पुरानी साड़ी से भी बना सकती हैं, फटी पुरानी चुन्नियों से भी बना सकती हैं, और इसका आप पूजा आसन भी बना सकती हैं, थालपोस भी बना सकती हैं अगर भूल से बना रही हैं तो। ये देखें दो फंदे हमें नीचे की साइड पे छोड़ देना है, सिलाई को यहीं से पलट लेना है। अब जहाँ तक हमने फंदे छोड़े हैं ऊपर के वहाँ तक बिन लेना है। ये देखो हमने यहाँ तक बिन लिया, ये दो फंदे मैंने छोड़ रखे थे बगैर बुने हुए। अब इधर से देखें दो फंदे हमने फिर से ले लिए और यहाँ से हमें कलर चेंज कर लेना है। तो कलर ये वाला लगाऊंगी, ये देखें नीचे की साइड पे भी हम दो फंदे बगैर बुने हुए छोड़ दिए। देखो अब ग्रीन वाले हैं दो फंदे नीचे की साइड, दो फंदे ऊपर की साइड। तो इसी तरह से हमें बनाना है, चच्चा सिलाई निकालते जाएंगे और कलर को चेंज करते जाएंगे। तो मैं बीच में आ जाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हाफ हाफ फंदे हो गए, हाफ इधर हो गए हाफ इधर हो गए। अब देखो हमें किस तरह से बुनना है। ये देखें दो हमने इधर से बुन लिए, अब दो इधर से बुन लेंगे। फिर से देखें दो इधर से, अब यहाँ पे गैपिंग है तो इस तरह से हम दो फंदे आगे की साइड से बुन लेंगे। फिर से देखें अब इधर से देखें इस तरह से उठाएंगे और इसके साथ में इस तरह से बुन देंगे। अब सीधी साइड पे हैं, ये देखें। अब देखें अब ग्रीन वाला कलर लेंगे, ये देखें। अब यहाँ से देखें, ये देखें, अब हम एक यहाँ से उठाएंगे एक ऊपर की साइड उठाएंगे इस तरीके से। दो फंदे उठाए और ये देखें दो ग्रीन वाले ले लिए। अब दो फंदे हम, ये देखें जो दो फंदे उठाए हैं वो ग्रीन के साथ में बुनना है इस तरीके से। अब इधर की साइड देखें, एक इधर से एक इधर से दोनों तरफ से उठाया ग्रीन के साथ में बिन दिया और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। ये देखें तो इसी तरह से आपको बनाना है। इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आगे की डिजाइन बताती हूँ। ग्रीन है तो ग्रीन की हम चार सिलाई निकालेंगे, पिंक है तो पिंक की चार सिलाई,
तो इसी तरह से हमें ऊपर भी जाना है और नीचे भी बढ़ते जाना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखो पत्ती मैंने बना ली है, ये पत्ती पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे देखें, आगे ये डिजाइनर बनने वाला है तो किस तरह से बनाएंगे। अब ये देखें, ये कलर हमने और इसमें ले लिया है। ये देखो यहाँ से येलो कलर लगा लेंगे। और हमें 18 फिंदे बुन लेने हैं। 14 हम नीचे की साइड छोड़ देंगे और 18 फिंदे हम ऊपर की तरफ से बुनेंगे। तो बुन लेती हूँ, फिर से देखें। यहाँ पे जितने फिंदे हैं उतने हम बुन लेते हैं और नीचे की तरफ से 8 फिंदे हैं तो उनमें से हम 7 फिंदे बनेंगे। वो 6 की जगह पे हमने 8 फिंदे लिए थे। ये देखें, एक फिंदे को हम नीचे की साइड से छोड़ देंगे और सिलाई को पलट लेंगे। अब जो जैसा है वैसा ही, फिर से देखें, फिर से हम सारे फिंदे बिन लेंगे। येलो कलर के हम येलो से बिनेंगे, ऑरेंज है तो हम ऑरेंज कलर से बिनेंगे। सिर्फ नीचे की साइड से हमें एक एक फिंदे को छोड़ देना है। ये देखें, हमने फिर से छोड़ दिया और सिलाई को पलट लिया है। ये 6 सलाइन की डिजाइन है। 6 सलाइन ये देखें कंप्लीट कर ली है, 1, 2, 3। बाकी फिंदे इसी तरह से तो ऊपर तक भी देखें, 4 फिंदे ऊपर। एक दो, अब यहाँ पे देखें 4 फिंदे बचे हुए हैं येलो कलर के, तो ये देखें इस वाले कलर से हो जाएंगे और 4 फिंदे नीचे जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 फिंदे नीचे, 3 फिंदे हमने बगैर बुने हुए छोड़ दिए, सिलाई को पलट लिया है। अब ये डिजाइन इसी तरह से बनेगी ऊपर तक, कलर चेंज करते जाएंगे। 3 सिलाई इधर से, 3 सिलाई उधर से। तो मैं ऊपर तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। देखो मैंने ऊपर तक बना लिया है। यहाँ पे देखें, 1, 2, 3, 4, 4 बार हमने बुना है ऊपर। हमने इतना यहाँ से हमने 2-2 फिंदे छोड़ दिए हैं। येलो वाला कलर है, जो 6 फिंदे रहते हैं उनमें से 2-2 फिंदे छोड़ना है। अब देखें इस तरीके से हमें बना लेना है। जैसे हमने 2 फिंदे छोड़े तो हम 2 ही बिनेंगे और सिलाई को पलट लेंगे। फिर से देखें, इनको मैं ऊपर की साइड ले जाऊंगी ताकि अभी बनाना है। आप देखें यहाँ पे 2 फिंदे उठाना है दोनों तरफ से। तो ये देखें, येलो कलर की हमने कली पूरी कंप्लीट कर ली। ये देखें इस तरह से। अब हम ये ब्लू कलर लगा लेंगे। अब यहां पे देखें इस तरह से आपको बना लेना है। एक फिंदे को बनाया, सिलाई को यहीं से हम पलट लेंगे। अब ऊपर तक इसी तरह से ये 3 फिंदे बिनने हैं, सादा सादा। अभी हम इधर कोई कलर नहीं लगाएंगे। जिस तरह से इधर बनाया है इसी तरह से इधर भी बनाना है। मैं बना ली, ये भी कली हमने बना ली है। अब आगे हमें किस तरह से बनाना है ये देखें। 1
और दो, दो फिंदे के बाद इस तरह से हम ऑरेंज कलर लगा लेंगे। ऑरेंज कलर की पूरी कली कंप्लीट इसी तरह से करेंगे। ये इस तरीके से इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे की कली में बताते, ये भी कली हमने कंप्लीट कर ली है। अब आगे देखें, अब हम चार फिंदे नीचे जाएंगे, एक दो तीन चार। आप चार के बाद देखें ब्लू कलर लगा लेंगे। इस तरह से अब यहां पे देखें, एक फिंदे को बना लिया और सिलाई को यहीं से पलट लिया। इसी तरह से ये पूरी डिजाइन बनती जाएगी, चार फिंदे नीचे फिर चार फिंदे नीचे, इसी तरह से ये डिजाइन बनती जाएगी। तो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने कली पूरी कंप्लीट कर ली है। अब आगे देखें हमें किस तरह से बनाना है। ये सारे फिंदे येलो कलर हो जाएगा। ये भी हम येलो कलर का बिन लेंगे। अब देखें यहां से इस वाले फिंदे को उठाया, अब देखें यहाँ पे एक फिंदे को बढ़ा लूंगी इस तरीके से। अब फिर से देखें, अब इस तरह से बुन लेना है, इस तरह से यहां से, ताकि गैपिंग ना दिखे। अभी एक फिंदे को बढ़ाया, अब यहां पे देखें तो यहाँ पे हम एक दो का एक कर देंगे और सारे फिंदे हम इस वाले कलर से बुन लेंगे। एक ध्यान रखिएगा, ये ऊपर से लेना है और एक फिंदे को कम करना है। एक फिंदे को बढ़ाएंगे तो एक फिंदे को हम कम कर देंगे। पूरी रो हमें अब जो जैसा है वैसा ही बुन लेंगे। इस तरह से ये डिजाइन पड़ती जाएगी। अब हमें इस तरह से बनाना है, फिर इस तरह से बनाना है। इसी को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये सर्किल में डोरमेट बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से ये बनाते जाएंगे तो ये सर्किल में तैयार हो जाएगा।